तो दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। और आज हम लोग ये नया बंडल अनलॉक करने वाले हैं बन्नी का। ये बंडल वैसे तो नया नहीं है, आज से एक डेढ़ साल पहले ड्रेस आया था, उसके बाद ये ड्रेस मैंने निकाला नहीं और ये रेयर हो गया मेरे लिए, तो खास करके बहुत रेयर था बन्नी बंडल। और उसके बाद वापिस एक बार इवेंट में आया था बन्नी बंडल, बट बहुत महंगा था और ऐसा समझो कि मैंने 50-60 हज़ार डायमंडी ड्रेस को निकालने के लिए डाले थे, बट मुझे फिर भी ये वाला जो ड्रेस है वो नहीं मिला था। उसके अलावा इस ड्रेस के साथ ये MP5 का एक गन स्किन भी आया है। मैंने काफी समय से कोई भी ऐसा गन स्किन या ड्रेस निकालता हुआ वीडियो नहीं बनाया, उसका रीजन ये है कि गेम जो है वो बैन हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि कोई गन स्किन या ड्रेस निकालू। बट ऐसा समझो कि अभी मेरे पास Season 1 का भी बंडल है, Season 2 भी है, सभी चीजें जो रेयर थी वो वापिस आ रही है। और ये वाला बंडल भी जब वापिस आया है तो क्यों ना हम लोग ये वाला ड्रेस वापिस अनलॉक कर ले, क्योंकि ये एक यही ड्रेस है जो मेरे लिए काफी रेयर था और जिसके पीछे मैंने बहुत डायमंड उड़ा भी दिए थे, बट मुझे ड्रेस नहीं मिला था। आज मुझे मौका मिला है वापिस इस ड्रेस को निकालने के लिए। वैसे मैं 4-5 हज़ार रुपीस लगाने वाला हूँ डायमंड खरीदने के लिए, और उतने डायमंड में मेरे को ये वाला ड्रेस मिल जाता है और ये वाली गन की स्किन भी मिल जाती है तो बढ़िया है, वरना मैं फिर ये चीज़ नहीं निकालने वाला हूँ। तो दुआ करो इस वीडियो में हमें चीज़ें मिल जाए। वैसे मेरे पास डायमंड की बहुत ज़्यादा कमी है, मेरे को डायमंड टॉप अप करने के लिए जाना पड़ेगा, बट उससे पहले एक गन स्किन जो है उसको भी मेरे को टेस्ट करना है कि रेट ऑफ फायर, क्योंकि रेट ऑफ फायर वाली गन स्किन जो होती है ना वैसे भी बेटर होती है और इसमें तो डबल रेट ऑफ फायर है MP5 में, और मुझे नहीं पता कोई पहले ऐसी कोई स्किन आई थी जिसमें डबल रेट ऑफ फायर था, और अगर है तो उसी के साथ हम लोग जाएंगे, बट इसको भी टेस्ट करेंगे कि क्या ये वाली गन की स्किन अच्छी है। ये गाजर वाली गन की स्किन है और उसमें ऊपर है एक बनी ससला बोलते हैं हम लोग जिसे, तो आ जाओ फटाफट से डायमंड टॉप अप करके आते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4500 के आसपास डायमंड टॉप अप करे हैं और ये टॉप अप के बदले में मुझे मिला है एक बियर्ड, ये वाला लुक तुम लोग देख सकते हो, ये टॉप अप इवेंट में मिला है। और उसके अलावा एक मिला है मुझे इमोट, ये वाला इमोट मेरे ख्याल से काफी सही है। अरे आजकल फ्री फायर वाले इवेंट अच्छे दे रहे हैं मेरे को ऐसा लग रहा है, देखो ये वाला इमोट सच्ची में अच्छा है। चलो बढ़िया है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं क्लेम। और उसके बाद हम लोग एक और चीज़ टेस्ट करना चाहेंगे कि इस इवेंट में ये जो लिखा हुआ है एक चेंज, ये बटन किस लिए है, देखो जरा MP5 कैंडी बनी नाम है इसका। ओके फिर मैं ये इवेंट जो है वो समझ चुका हूँ। यहाँ पे अगर हमको डायरेक्ट बनी बंडल या ये वाली गन की स्किन नहीं मिलती है तो उसके बदले में हमें ये रेबिट के साथ इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये रेबिट 250 है तो या तो हम लोग ये वाला ड्रेस ले सकते हैं या तो फिर ये गाजर वाला गन स्किन ले सकते हैं MP5 का कैंडी बनी नाम का। तो अभी एक्सचेंज करने के लिए हमें चाहिए होंगे ये वाले रेबिट, या तो फिर डायरेक्ट हमको चीज़ें मिल जाए तो बढ़िया है। वैसे मेरे पास ये बनी MP40 है, तुम लोगों को याद होगा आज से 2 साल पहले की बात है जब मैंने एक क्रेजी बनी गन स्किन के पीछे 2 लाख डायमंड उड़ाए थे भाई, वो गोल्डन पीरियड था फ्री फायर का। और उस टाइम पे जो फ्री फायर चलता था उफ भाई क्या नेक्स्ट लेवल पे चलता था। बाय द वे इसी बात पे जिन जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक भी कर देना। ऐसा समझो ये बनी MP40 और ये वाले ड्रेस ने मेरे लगभग 3 लाख के आसपास डायमंड वेस्ट किए हैं, बट मुझे चीज़ें नहीं मिली। और 3 लाख डायमंड मेरे ख्याल से तुम लोग अगर खरीदने जाओगे तो 2.5 लाख रुपीज़ के आए थे, तो भाई 2.5 लाख के भी नहीं, उससे कम में आए होंगे। अब मैंने इतना कैलकुलेशन नहीं किया बट तुम समझ सकते हो भाई क्या बात थी। तो आ जाओ पहले हम लोग स्पिन करते हैं 20 डायमंड का। 20 डायमंड से स्टार्ट करना सही रहता है। अरे क्या स्पिन हुआ कि नहीं हुआ, वो अच्छा हो रहा है स्पिन, मैं बोलूँ अटक गया क्या। अच्छा 3 रेबिट हमें मिले हैं, ये तो 250 रेबिट हमको मिलने में ही टाइम निकल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट हमें चीज़ें मिल जाए, वैसे क्रेजी बननी तो मेरे पास है तो ये 3 में से 1 चीज़ चाहिए, 3 वापस से ही मिले। आ जाओ 200 का स्पिन करेंगे और हमें चीज़ें टेस्ट भी करनी है तो फटाफट चीज़ें निकालनी होगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग धीरे धीरे स्पिन करेंगे तो हम लोगों को धड़ाधड़ स्पिन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें चाहिए स्कीप एनिमेशन। इस बार हमें 2-2, 3-3, 3-3 ऐसे ये मिले हैं, रेबिट मिले हैं। वापस एक और बार स्पिन करते हैं, मैं सीधा 10+ का ही स्पिन करूँगा इस बार भी। यार 10 तो दो, कम से कम 10 रेबिट तो साथ में दे दो, क्या चालू। ये 250 रेबिट एक बार में हमें मिल सकते हैं, क्या बात है। बट वो दिखाने के लिए होता है, वो किसी को मिलता नहीं है, मेरे को तो मतलब नहीं लगता किसी को मिलता होगा, ये स्कैम है भाई फ्री फायर का। क्या है इस बार, ओके चलो हम लोगों को 25 रेबिट मिल चुका है, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है मतलब ये वाला जो बैकपैक है वो हमारे पास पहले से था तो इस वजह से इन लोगों ने हमें इसके बदले में 25 रेबिट दिए हैं, ये सही चीज़ है भाई। डायरेक्ट बंडल देके बात ख़त्म करो ना। क्या मिला इस बार भाई, फालतू चीज़ें चल रही है भाई इन लोगों की। 108 रेबिट मेरे पास अभी से हो चुके हैं भाई, बढ़िया है चीज़ तो।
वापस से मुझे 25 एक्स्ट्रा मिल चुके हैं रेबिट, क्योंकि मेरे पास एक बैकपैक था। आई थिंक मेरे को एक बैकपैक ही दे दो, 3-4 बार एक ही बार में बैकपैक दे दो, बात खत्म करो। इस बार बैकपैक भी नहीं मिला, इस बार भी हमें कुछ नहीं मिला, ऐसे ही हम लोग स्पिन करेंगे। ओके, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये मेरे को क्रेजी बनी मिला, बट मेरे पास क्रेजी बनी ऑलरेडी है, तो मेरे को क्यों दिया? मैंने देखा, देखो वापिस, नहीं उसके ऊपर से घूम रहा है बस वो। क्या यार तुम लोग भी, मिल जाए यार ड्रेस, मिल जाओ भाई, लेट्स गो, कॉन्ग्रेचुलेशन। आई थिंक हम लोगों को क्रेजी बनी वापिस से मिला है, जो कि गन स्किन मेरे पास पहले से था यार। 2 लाख डायमंड का बर्बादी मेरे को याद आ जाता है जब भी मेरे को गन स्किन मिलती है। 2 लाख डायमंड भाई, 2 लाख, और उसके बदले में मेरे को मिला है सीधा 100 रेबिट, क्योंकि मेरे पास पहले से गन की स्किन है। क्या बात है, मेरे पास 325 हो चुके हैं, तो एक और बार 200 का स्पिन करते हैं। अगर मेरे पास 500 रेबिट हो जाते हैं ना, तो दोनों की दोनों चीजें मैं कर दूंगा। आई थिंक मेरे को गन का स्किन मिल गया, मेरे को गन स्किन मिला यार, मेरे को लग रहा है MP5 का स्किन मिल चुका है। ओके, ये कोट ड्रेस मिला है, कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे को गन स्किन ही मिला होगा। ओ कैंडी बनी ओवरवॉल करके कोई बंडल है, ये वाला बंडल दिखने में काफी वाहियात है, मेरे को इतना सही नहीं लगा, बट हाँ इससे तुम लोग हेलमेट और वेस्ट हाइड कर सकते हो। ये वाला बंडल लेके कौन गेम प्ले करेगा, मैं देखना चाहता हूँ कौन ऐसे लोग हैं जिसको ये वाला बंडल पहन के खेलने का आदत लगेगा, क्योंकि बहुत भारी होगा, दिखेगा भी नहीं एनिमी अगर सामने आ गया तो। चलो बढ़िया है भाई, हमको दे दो कोई यार गन स्किन वगैरह। ये देखो देखो चीजें कितनी घुमाई जा रही है हमारे सामने, स्कीप ही करो यार, ये सब देखने में ना बहुत बुरा लगता है। वो 2 बार हमको 25 25 वो मिला है, चलो 500 हो ही गए, एक स्पिन करते हैं, या एक दो स्पिन में 500 हमारे पास हो जाएगी रेबिट और हमारा काम बन जाएगा, लेट्स गो। क्या बात है, हो गया क्या? स्कीप एनिमेशन करते हैं, एक और बार हमको शायद से स्पिन करना पड़ेगा 200 का, क्योंकि 470 तो हो ही गया है यार। मिल जाओ यार, मेरे को लड़की का ड्रेस नहीं चाहिए सच बताओ तो, क्योंकि लड़की का कैरेक्टर लेके मैं प्ले नहीं करता हूँ, तो ये ड्रेस का कोई मेरे लिए वैल्यू नहीं रहेगा फिर। इस बार क्या मिला है, चलो 10 मिले हैं तो हो गया। चलो अरे यार 2 चाहिए, चलो हो गया 500। एक्सचेंज में जाएंगे, सबसे पहले हम लोग एक्सचेंज करेंगे ये वाला ड्रेस, क्योंकि ये ड्रेस जो है वो मेरे लिए काफ़ी रेयर है। जैसे मैंने पहले ही बोला, ये वाले ड्रेस का मैं सपना देखता था कि मेरे को ये ड्रेस मिले, और ये एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए अभी के टाइम में रेयर थी, जो कि फ्री फायर ने वापस ला के रेयर नहीं रहने दी है, वो बात अलग है। हर एक चीज़ जो रेयर हुआ करती थी आज से 1 साल या 1.5 साल पहले, वो सभी चीज़ें वापस आने लगी है। तो जो लोग रेयर का नंगा नाच करते थे कि भाई हमारे पास ये चीज़ रेयर है, तुम लोग देख सकते हो कोई भी चीज़ रेयर नहीं है। इवन मेरा भी जो ड्रेस बंडल था वो भी रेयर नहीं रहा है, क्योंकि लोग दे देते हैं लोगों को, फ्री फायर पे भरोसा नहीं करने का। एक MP5 का कैंडी भी ले लेते हैं, ये लो MP5 का कैंडी गन स्किन। भाई ये दिखने में तो बहुत सॉलिड दिख रहा है, बट क्या लोग इसका यूज़ करेंगे? सच मैं सच बोलूँ ना, तो अगर मेरे को इसकी गन की एबिलिटी सही लगी ना, तो मैं इसको यूज़ करूँगा, बट अगर इसका एबिलिटी डिफ नहीं है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है, तब ये वाली गन की स्किन, सच बोल रहा हूँ, माँ कसम खा के बता रहा हूँ, मैं ऐसे फेंक दूंगा, मैं नहीं यूज़ करूँगा इसी घटिया स्किन। मतलब दिखने में तुमको कुल लगेगी, बट इससे क्या होगा, रेबिट का सर आ जाएगा ना, मतलब बीच में तुम ऐसा समझो तुम फायर कर रहे हो, रेबिट का सर तुम्हें दिख रहा है, कैसा लगेगा? मतलब एन में जो सामने वाला है वो तुमको प्रॉपर से नहीं दिखेगा इस वजह से। चलो आ जाओ, इससे एक ही ले ही लेता है, क्योंकि अपने पास एक रेबिट पड़ा हुआ है, तो क्यों फिर फालतू में उसको वेस्ट होने दे। और कोई चीज़ है क्या इंक्यूबेटर में, क्या दे रहे हैं लोग? ये कौन सा गन का स्किन है, वुड पेकर? इन लोगों ने वुड पेकर, ओ खतरनाक गन स्किन है तो, मां कसम मेरे को मन हो गया यार वुडपेकर निकालने का है तो। ये तो निकालने वाली चीज है भाई, मेरे को MP5 टेस्ट करने जाना है, वो बात अलग है। तेरा पर को मारो गोली, इंक्यूबेटर तुम लोग देखो, इंक्यूबेटर गजब ही कुछ इंक्यूबेटर है भाई ये वाला तो। इसमें क्या अभी कोई ऑफर वोफर आएगा क्या? इन फ्यूचर ऑफर आना चाहिए। चलो मैं अब स्पिन नहीं करता हूँ, मैं वेट करूंगा इसमें 50% का कुछ ऑफर आए, उस टाइम पे हम लोग ये वुडपेकर निकाले, क्योंकि अभी मतलब नहीं बनेगा। ये क्या है, गोल्ड रॉयल, वेपन रॉयल, ये सब चीजें तो चलती रहेगी, इनको भी मारते हैं गोली। चलो इसी बात पे, जिन जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दो। हम लोग जाने वाले हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड में MP5 को जो है वो टेस्ट करने के लिए, तो इसमें जाएगी आर्मरी,
और आर्मरी में हम लोग जाने वाले हैं यहाँ पे सब मशीन गन और MP5 ऑटोमेटिक सिलेक्ट, ये मैंने सिलेक्ट करके ही रखा था। वैसे मैं वैसे कौन सी MP5 की गन स्किन यूज़ करता था पहले, ये वाली तो जाहिर सी बात है नहीं करूँगा। हाँ ये वाली मैं यूज़ करता था, इसमें देखो डबल रेट ऑफ फायर और एक्यूरेंसी भी है। इसमें क्या दिक्कत है कि इसमें एक्यूरेंसी माइनस है, बाकी रिलोड स्पीड तुम ज़्यादा दे भी दोगे तो मैं क्या करूँगा बताओ, जब उसका एक्यूरेंसी ही माइनस जा रहा है तो हमको नहीं पसंद है। ये वाला एक इक्विप कर लेते हैं, ये वाला भी गन स्किन इक्विप कर लेते हैं। अपने पास गन स्किन है बट अपन ने इक्विप नहीं किया था। गन स्किन तो इक्विप हो चुका है, अभी हम लोग इक्विप कर लेते हैं जो ड्रेस हमने निकाला है वो ड्रेस आई थिंक ये रहा। तो ये ड्रेस को हम लोग करने वाले हैं कुछ इस प्रकार से इक्विप, आई थिंक हाँ फास्ट इक्विप हो गया। तो हम लोग ये ड्रेस के साथ MP5 का गन स्किन भी टेस्ट करने वाले हैं। ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि गन स्किन निकालने के बाद अभी हम लोग गेम में जा रहे हैं, तो तुम लोग देख लो। और हाँ अगर भुइया होता है तो और लंबा जाएगा, बट मैं ट्राई करूँगा गन स्किन टेस्ट करके तुरंत ही मर जाऊँ। बट हाँ अगर गेम बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो जाता है और नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है तो बात कुछ अलग होगी। भाई लोबी में सेम हमारी तरह कोई बन्नी बंडल भी पहन के आया है, साथ ही में रेड क्रिमिनल किधर गया, रेड क्रिमिनल भी आया है। तो मतलब हमारे पास दो मौके हैं, रेड क्रिमिनल को भी मार सकते हैं और उसके अलावा ये जो बन्नी बंडल है उसको भी मारेंगे। आई थिंक 2-3 बन्नी बंडल लगे मेरे को अभी तो नॉर्मल, यार बन्नी बंडल लोबी में दिखने लगेंगे। तो आप इस गेम में आए हैं तो सब खरीद के मतलब वो करेंगे ना मौज जलसा, क्योंकि यही तो चीज़ थी जो रेयर थी। आज हम लोग कहाँ पे उतरे, ऑब्जर्वेटरी जाते हैं भाई, ऑब्जर्वेटरी पे फटाफट से लैंडिंग करके ना गन बन लेके लोगों को हवा में ही उड़ा देंगे अगर मौका मिला तो। आ रही है 3-4 स्कोड, ये कुछ ज़्यादा ही लफड़ा हमने कर दिया है। नहीं ये लोग दूसरी साइड पर जा रहा है, एक स्कोड ही आ रही है अपनी साइड पर, ये अच्छी बात है। एक स्कोड तो हम लोग मार देंगे बट हमको चाहिए अभी MP5। ये मत आओ रे, 2 स्कोड हो गई, 3 स्कोड हो गई रे, बाप रे गए काम से हम लोग। बच्चों वाली हरकतें नहीं करेंगे हम लोग, अभी सीधा गेम खेलेंगे। बहुत हो गया खौफ, अभी हम लोग इनको दिखाते हैं। हाँ अरे यार मेरे को गन स्किन दो यार। किधर गया MP5? मैं ना हवा में मार सकता हूँ बट दिक्कत ये होगी कि कोई दूसरा उतर के हमको पीछे से मार देगा। देखो ये जा रहा है, बड़े चीज़ा इधर है ना, यहाँ से एस्केप करने का कोई रास्ता नहीं है मेरी जान। आ जा नीचे, आ नीचे आ, एक बार नीचे आ, तेरे को बताता है बाप कौन है। नहीं ऐसा नहीं बोलेगी, ये गलत बात है, गलत तो कुछ नहीं है बट यार उसको बुरा लग सकता है अगर वो वीडियो देखेगा तो। हम लोग यहाँ से जाएंगे और MP5 ढूंढेंगे, हमारा एक ही मकसद है MP5। मत मार यार, ये यही तो चीजें तुम लोग गलत कर दो ना, पता है फिर बोल दो कि मार दिया उसने, मारेगा ही ना फिर, फिर गलत मर जाते हो, फिर रोते हो। MP5 मिल चुका है फाइनली, लेट्स गो। ये लगाने दो मेरे को इधर, और ये शॉर्ट गन एमो हटा देते हैं, ये किसी काम का है नहीं फिर शॉर्ट गन एमो। ये ऊपर अभी भी बंदे देखो कोई, अरे इधर से कोई मार रहा है ऊपर की साइड से, उनको घेरा गया है क्या, इसको टपकाना पड़ेगा वरना ये तो सबको प्रॉब्लम देगा। पेड़ के पीछे गया, बेटे गलत बात मत करियो, ये गलत चीज़ें हैं, ऊपर से नहीं खेलने का, सब नीचे से खेले, तुम हाइट का फायदा लेके खेलो। इतने प्रो कब से हो गए तुम, इतनी औकात कब से तुम लोगों की बढ़ गई, ये चीटिंग कर रहा है ना, मरेगा मेरे हाथ खाएगा। बच गया बच गया, मैं ऊपर जाएगा मारेगा, बट इसको मारेगा वरना ये सबको प्रॉब्लम देगा, मेरे को तो मारेगा ही मारेगा, बाकी लोगों को भी मारेगा। ऊपर की साइड आएगा मेरे को मारने के लिए इधर पे, और मैं इधर जा रहा हूँ इसको मारने के लिए। ये देखा, मत कर पगले, गलत बात करा ना तूने, ये तो चीजें है जो हमको प्रो बनाती है भाई। MP5 अच्छी तो है, एक गोली में ही मार दिया, ये मत बोलना कि उसका डैमेज ऑलरेडी मतलब डैमेजेड था इसलिए मर गया, ये गलत बात हो जाएगी। MP5 ही तगड़ी है। ये देखो तुम अब जब फायर करोगे ये साथ में ये दिखेगा रेबिट का सर, तो तुम कैसे मतलब उसको मारोगे सामने वाले को, ये भी नहीं आएगा, हेड ही नहीं दिखेगा उसका प्रॉपर तुमको। ये ले लेते हैं वुड पेकर, वन टेप मारेंगे भाई वन टेप, अभी घुस घुस के खेलना है भाई, अगर मर जाएगा तो चलेगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी वरना बड़ा हो जाएगा। बंदे कोई दिख नहीं रहा है यहाँ से, वरना मेरे को तो मारना है लोगों को। क्या मैं M4A1-3 चलाऊँ अगर मिले तो, M4A1-3 से ना भाई बहुत गंदे किल आते हैं, तुरंत सामने वाला दिखते ही मर जाता है, वो रो देता है फिर बोलता है भाई ये मत करो। चीटिंग है M4A1-3 अगर प्रो प्लेयर के हाथ में है तब, नूबड़ों के हाथ में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और नूबड़े जो मेरी तरह होते हैं, अगर आप नूब हो तो आप अज्जू भाई बन सकते हो बट अगर आप प्रो हो तो आप अज्जू भाई नहीं बन सकते हो।
MP5-3 करेंगे हम लोग सबसे पहले तो। हमारे पास टोकन 800 है, आई थिंक दो चिप हमको मिल जाएगी तो बहुत है, दो अपग्रेड चिप ही चाहिए। अभी जब मिलेगा ना अपग्रेड चिप तो अब हम लोग खरीदेंगे ग्लू वॉल प्रोटेक्शन के लिए, जाहिर सी बात है। आज हमारे पास इनफ लूट है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कत्ले आम मचा सकते हैं अगर हम लोग को बंदे मिलते हैं तो। और बंदे हमको मिलेंगे, ये देखो किसने तो यूज़ किया, इसको हम लोग बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, जहाँ वो गए हैं वहाँ पर हम लोग जाएंगे। हे क्या कोई इधर, ग्रेवयार्ड तो पूरा खाली लग रहा था मेरे को, यहाँ पे होने चाहिए, लोग तो आए हैं, दिखने तो चाहिए भाई। हाँ 34 बंदे अलाइव है, ये लोग गए तो गए कहाँ पे। हाँ मेरे पास एक रास्ता है, मस्त वाला प्लान है मेरे पास, आओ रे। इधर भी एक अपग्रेड चिप पड़ा था फालतू में खरीदा, वो वाला डब्बा किधर है, ये वाला डब्बा लूटेगा, आ जाओ। ये डब्बे पे कोई कोई तो है बंदा जो डब्बा लूट रहा है, हम लोग फटाफट गाड़ी लेके जाएंगे और जो डब्बा लूट रहा है उसको मार के उस डब्बे के अंदर से जो ग्रोजा एक्स या AWM मिलता है वो चलाएंगे। आ जाओ, तो हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं उस बंदे के पास में, और दुआ करो हमें AWM मिले। यार उसी को किसी ने मार दिया ऐसा लग रहा है मेरे को, उसको किसी ने टपका दिया है भाई, लफड़ा हुआ पड़ा है यहाँ पे तो, बहुत सारे लोग हैं, कोई तो उसके अंदर भी है डब्बे में भी है। गलती सीन है भाई, गलती सीन है, आ जाओ किसी को उड़ाते हैं भाई। कोई ना वो ड्रोप से खेल रहा है, वो गलत खेल रहा है भाई। ये दो बंदे देखो भाई, अज्जू भाई निकलो इधर से, यहाँ पे मत दिखो, गलत मारेंगे लोग, मारेंगे तो। ये क्या कर रहा है, आइए भाई ये बन, पढ़ाई पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाओ यार, चल निकल इधर से। अरे मौका है, मार दो, चलो अब डब्बा लूट लो। यही यही तो चीज है, यही तो चाहिए हमको, और क्या चाहिए भाई। क्या था डब्बे में, खतरनाक चीजें थी भाई डब्बे में। ये ड्रोप वाले ने सबको मारा है भाई इधर से, हालांकि अभी तो हमने इसको टपका दिया है, आराम से लूट करेंगे। केवल तरीका डब्बा अपने पास पहले से ही है, ये क्या दे रहा है यार। M24 देते हो तो साथ में एक्स तो दो कम से कम, M24 एक्स भी चलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। AWM दो भाई, AWM, और एक इनहीलर दे दो। इनहीलर क्या, वो इंजेक्शन जो वापिस जिंदा करे हमको डाउन होने के बाद। मैं तो चाहता हूँ इंजेक्शन को ऐसे डेवलप करो कि अगर जिसके पास है वो मर जाता है ना तो वापस वो खुद जिंदा होके ड्रोप से गिरेगा, मतलब ड्रोप क्या ऊपर से गिरेगा, ऐसा इंजेक्शन होना चाहिए, तब आएगा असली मजा। ये चीज़ को कोई दिल पे लेके कुछ कमेंट मत कर देना उल्टा सीधा, अगर कमेंट करना भी है तो अच्छा कुछ कमेंट करना। आ जाओ भाई, अपना काम हो गया, AWM मिल चुका है, अब कुछ नहीं करेंगे हम लोग, कुछ ज़्यादा होशियारी नहीं करेंगे, चुपचाप जाएंगे कोने में, और जो ARMO है वो सभी ड्रॉप करके हम लोग ले लेंगे SMGMO। AWM चलाने वाले जो बंदे होते हैं वो होते हैं प्रो। वैसे मैंने यहाँ पे देखो एक क्रोशियर लगाया हुआ है, तो इससे क्या होता है, एक क्रोशियर से अगर मैं AWM लेता भी हूँ तब भी मेरे को एक क्रोशियर दिखेगा, क्योंकि एमुलेटर दूसरा है। आ जाओ और ऊपर की साइड जाते हैं, ऊपर रेड डॉट आ रहा है उसको मारेंगे हम लोग। कौन है भाई वो असली प्रो, मेरे को लगता है एकदम ऊपर की साइड है, उसने भी हमें देख लिया है शायद से, बट हम लोग लेके मेडिकेट। मेरे को चाहिए SMGMO बट मैंने लूटा नहीं है। ये क्या था यार, हाँ पूरा का पूरा स्कोडी आके मार दो, एक काम करो मेरे को टपका ही दो भाई, मैं जिंदा ही क्यों हूँ फिर भाई। MP5 अच्छा है, बहुत बढ़िया है, जिस हिसाब से मैंने मारा है उसको। अब देखो मैं इसके साथ क्या स्कैम करता हूँ, बेचारा ओहो पूरा लगा पहले बच्चे भाई, गंदा मारा है इसको, इसने सोचा नहीं होगा कि ऐसा डेंजर मोमेंट के साथ कोई बंदा घुस के मारेगा हमको। ये देखो, ये लो, AWM नहीं चल रहा अपन से, वार्म अप करना पड़ेगा, वार्म अप। अरे गंदा मार रहा है वो तो, अपने टीममेट को बुला लिया नुबड़े ने। चल चल अभी निकल इधर से, अभी मेरे को भी वो करने दे भाई, मेडिकेट वेडिकेट मारने दे, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा। वो करना क्या चाहता है, वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी हो बिहाइंड तो आग लगे बस्ती में। अरे अच्छा था यार, बस तुम्हारा टपका दिया टपका। अरे अरे अरे, लेवल 3 का ही लगाते हैं ना, फिर लगाते हैं तो। अब नहीं, अब लूट करने में नहीं रुकेंगे वरना मार देगा कोई हमको, ये होती है बातचीत भाई। हमको चाहिए स्नाइपर एमओ, और स्नाइपर एमओ तुमको पता है कहाँ से मिलेगा, वो जो दुकान होती है ना उससे खरीदना रहता है। हम लोग ना छोटी मोटी गलती करके ना फिर रोते हैं, अगर हम जब नीचे थे तभी अगर ये चीज़ें खरीद लेते तो क्या दिक्कत था,
नहीं, वो मेरे को 70 लोग देख रहे हैं गेम में, मतलब गुजराती वाला 70 17। अगर तुम लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। हाँ कोई दिख जाए मेरे को, बस कोई दिख क्यों नहीं रहा, अपने पास स्नाइपर है भाई। राजा 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 कलेजे में समा जा, हद हो गई भाई। कहाँ बैठे हुए हैं लोग? हाँ दिक्कत तो है भाई, दिक्कत तो है, कोई दिख नहीं रहा मेरे को। दुकान है क्या कहीं पे? वो बीच में एक दुकान है। अरे दुकान में AWM भी मिलना चाहिए यार, गलत बात है। AWM हो जाता नहीं, AWM फिर नहीं चलाएगी। हम लोग MP5 टेस्ट करने वाले हैं ना, तो आज नहीं चलाएंगे, बाद में कभी बात। दिखेगा क्या कोई? लगता तो नहीं है मुझे कोई दिखेगा अभी। डब्बे से हम लोग उठा लेते हैं। स्नाइपर एमओ है क्या? नहीं। अरे हटाओ भाई, छी यार, कोई मार देगा मेरे को, डर लग रहा है भाई डब्बा लूटते हुए। मैंने गलती से चिप खरीद लिया। ए किसने मारा गोली? किसने मेरे को छेड़ा भाई? इसके तो खैर नहीं, इधर से ही कहीं से गोली आई, पीछे से ऐसा लगा मेरे को यार। सच्ची में गोली तो इधर से ही चली थी। हाँ ये रहा देखो, नो बड़े, इसको बोलते हेडशॉट। फिर स्नाइपर एमओ क्यों नहीं खरीद पाया? 1600 चीजें होने के बाद भी एक और आ रहा है उसका टीममेट्स को रिवाइव करने के लिए। देखो शर्म कर लो, शर्म कर लो, थोड़ा तो शर्म करो यार। एक इंसान इतना मेहनत कर रहा है यहाँ पे यार। ये देखो स्नाइपर एमओ नहीं खरीद पा रहा हूँ मैं। आई थिंक मुझे लगता है तो इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। हाँ ये ले लेते हैं, 2 ग्लूवल, 1 ले लेते हैं रिपेयर किट। AWM में चला सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, बट मैं खरीदूंगा नहीं। आ जाओ भाई जोन में जाते, ये सब फालतूगिरी नहीं करेंगे यार। ये गेम भुइया होगा क्या? मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं गेम को भुइया करूँगा, ये तो सच्ची में माँ कसम नहीं सोचा था। मेरे को लगा गेम में टेस्ट करेंगे और चले जाएंगे, और अगर ये भुइया हो गया तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि फिर ये प्रो वाली चीज़ हो गई ना। तुमको गन स्किन भी निकाल के दिया, इतना अच्छा गेम प्ले भी करके दिया, और क्या चाहिए। दबाओ लाइक के बटन को और कर दो सब्सक्राइब, 20 बंदे देख रहे हैं गेम में भाई साहब। अरे अरे अरे, कोई जोन के अंदर से गोली चला रहा है, इसको पता नहीं है किसके ऊपर गोली चला रहा है बेचारों को। अब रुको तुमको मैं बताता है, कुछ भी करने का जोन से गोली नहीं चलाने का रहता है भाई। गया ना ये, गया ना तू भी। ये देखो भाई MP5 के हेड एकदम सॉलिड वाले लगे हैं भाई, जो भी बोलो। चलो आ जाओ, ये तो किल हमको मिल ही जाएंगे। ये उसने रिवाइव कर लिया यार, हद हो गई है तो। चल अभी तो तेरे पास रिवाइव वाला नहीं है ना, मिलते हैं भाई बीडू, कोई बात नहीं। एक और बात, अरे कोई और अपना किल चुराएगा ऊपर से, किल चोरी ना हो जाए यार। निकलो निकलो निकलो, किल चोरी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पास वैसे भी बहुत सारे किल है। एक लगा लेते हैं मेडी किट, यहाँ पे भी फाइट चालू है यार। इससे लड़ाई झगड़ा मत करो ना, मेरे बिना लड़ाई झगड़ा करोगे तो फिर तो मेरे को किल मिलने से गया यार, भाड़ में गया गेम, मैं फिर रुक जाएगा इधर, सबको मार देगा तुम लोगों को। रुको रे, ऐसा चीटिंग होगा तो मैं नहीं खेलता भाई। ये देखो इसको बोलते हेड शॉट, ये कोर गया। लो आ जा भाई, आ जा, तेरा ही वेट है जिसका मुझे हाँ इंतजार। चलो मेडिकिट मार के निकल लेते हैं। अब ये तो उन लोगों की गलती है भाई, उन लोगों को ऐसे जोन में नहीं लड़ना चाहिए था। अगर वो जोन में नहीं लड़ते तो मैं इन लोगों को नहीं मारता, और शायद वो लोग अभी जिंदा होते। क्या इस गेम को मैं कर पाऊंगा भूया? ये देखो नमूना इधर से बाहर निकलेगा। अभी गलती कर दी पगले, गलती कर दी मेरे को दिख के, या मैंने गलती कर दी भाई? एक पल के लिए इसने ऐसा दिखा दिया था कि भाई तुमने गलती कर दी मेरे को दिख के। एक ऊपर भी है, उसको भी देगा भाई, तेरे को भी दे। अरे यार शांति रखो ना, सबको प्रसाद ही मिलेगा, ऐसा उतावल नहीं करने का ना, तो गलत बात है। किसने गोली चलाया मेरे ऊपर? ऊपर ही है ना नमूने, तेरे को प्रो बनना है ना, तेरे को प्रो बनाता है मैं भाई। एकदम क्लोज रेंज में जो मारने का स्वाद आता है ना, वो नहीं आता भाई बाकी में। कैरेक्टर स्किल का हमने यूज नहीं किया आज। निकलते अभी इधर से, एक मेडिकिट मार लेके बाहर निकलते ही तुरंत, अपने पास 2 है तो कोई टेंशन नहीं। ए अपने बंदे रिवाइव हो रहे हैं, क्या बात कर रहे हो तुम? किल बढ़ेगा वैसे तो अपने, रिवाइवल पॉइंट इधर है तो यहाँ से लोग आएंगे, इधर से ही रिवाइव हुए हैं तो। ये रहा एक,
अरे बच्चे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाओ। मैं शायद पढ़ाई लिखाई कर लेता ना तो आज ये गेम नहीं खेलना पड़ता। आ जाओ निकल लेते हैं। इनके पास वो इनहेलर बिनहेलर इंजेक्शन बिंजेक्शन तो नहीं है ना? ये हुई ना बात। ये यही तो प्रो गिरी चाहिए अज्जू भाई। अरे ये तो अपने जैसा बंडल पेन के जो खेल रहा था वही है। ऐसे लोगों को तो मारना बनता भी है। चलो ये गया अभी, इसको मैं एक बार। अरे एक और आ रहा है, देखो ये आखिरी बंदा है मेरे ख्याल से। खत्म। 24 किल भुइया। और सच बताऊ तो मैंने ज्यादातर AWM का यूज किया है, बट मैंने जहां तक MP5 का यूज किया मेरे को लगा है कि नहीं इसके हेडशॉट जो है वो अच्छे है। एक्यूरेंसी भले कम हो बट जो हमने लॉन्ग रेंज पे हेडशॉट मारे हैं वो सभी बहुत सही वाले लगे थे। तो उस हिसाब से अगर मैं इस MP5 को रिव्यू दूं तो इसमें MP5 को आई थिंक 5 में से 3.7 स्टार दूंगा। सही है भाई, 3.7 स्टार इनफ है, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं गन की स्किन इतना वैसे भी यूज़ नहीं करूँगा, एक्यूरेंसी वाला ही यूज़ करूँगा, डबल रेट ऑफ फायर प्लस एक्यूरेंसी। बाय द वे तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट करके बता सकते हो। हाँ कूल बनने के लिए कुछ भी मत लिखना, सही चीज़ें पॉइंट जो होता है पॉइंट या एक मुद्दे के साथ कुछ ऐसा लिखना जो लगे कि नहीं सही में जो तुम बोल रहे हो सही है। बाकी मिलेगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक, ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो करके जाना। चलो बाय बाय।